सो हेलो यार, हमारे गेम में बहुत जल्द एक न्यू इवोल्यूशन बंडल आने वाला जो कि फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के थीम पे रहने वाला, और हम सभी को जो टोकन टावर में जो ईवो बंडल देखने को मिलता है उससे ये बिल्कुल डिफरेंट बंडल रहने वाला है। इसमें आप सबको चार नहीं भाई पांच कलर देखने को मिल जाएंगे, और इसको आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हो, इसको आप लोग को कस्टमाइज करना पड़ेगा। और इसमें आप सबको कुछ स्पेशल इफेक्ट्स भी देखने को मिलने वाले, और इसके इमोट्स किस टाइप के रहने वाले वो भी आज के इस वीडियो में आप सबको फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं। और यहां पे आप लोग देख सकते हो ये जो बंडल ये आप सबको गैलेक्सी व्हील में देखने को मिल जाए जो कि फेरेड व्हील की तरह। और हेलो यार, इससे रिलेटेड आप सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे भाई इसको निकालने में हम सबको कितना सारा डायमंड लग जाएगा। हेलो यार, मैं आप सबको बताता हूं इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन या क्वेरीज आप सबको इस बंडल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में आपको ए टू जेड क्लियर कर दूंगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर आप लोगों को एंड तक जरूर देखना है। हेलो यार, यहां पे सबसे पहले मैं आप सभी को कंफर्म कर दूं कि इस फेडरल में आप सभी को अगर डायमंड से स्पिन करोगे तो यहां पे आप सभी को एक बेसिक यानी कि नॉर्मल सा बंडल देखने को मिल जाएगा जिसको आप लोग को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पे आप लोग देख सकते हो यहां पे आप सभी को दो बंडल देखने को मिल जाएंगे, एक कस्टमाइज यानी इवो बंडल और एक आप सभी को बेसिक यानी कि नॉर्मल सा बंडल देखने को मिल जाएगा जिसमें आप लोग को कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और भाई लोग, जैसे यहाँ पे आप लोग गैलेक्सी व्हील में स्पिन करोगे डायमंड से तो यहाँ पे आप सबको इवो बंडल देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आप सबको एक बेसिक नॉर्मल सा बंडल देखने को मिलेगा जिसको बाद में आप सबको अपग्रेड करना पड़ेगा। और भाई लोग यार, जो कुछ वो कितना डायमंड लगने वाला इसको निकालने वो तो आप सबको एंड में पता चल ही जाएगा। और यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आप सबको कुल पांच बंडल देखने को मिल जाएगा। पहला जो बंडल वो है ब्लू कलर का जिसका लुक आप लोग देख सकते हो भाई काफी मस्त एनिमेशन लग रहा है। उसके बाद इसका जो सेकंड बंडल वो है एक ऑरेंज कलर का और येलो कलर का कॉम्बिनेशन जिसका लुक आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो भाई काफी मस्त लग रहा है। तीसरा जो बंडल है वो है पिंक कलर का और लास्ट में आप सबको ऑरेंज और यहाँ पे रेड कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आप सबको तीन ही इमोट्स देखने को मिल जाएंगे इस इवोल्यूशन बंडल में, जो कि पहला जो इमोट है वो प्रोफाइल एनिमेशन और अराइवल एनिमेशन है, और इसके बदले आप सबको कुछ स्पेशल इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। और सेकंड जो इमोट है जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो गाइस, यार नॉर्मल सा इमोट जो कि हर इवोल्यूशन बंडल में हम सबको देखने को मिल जाता, और ये इमोट भी काफी बढ़िया लग रहा है जो कि फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के थीम पे। और भाई लोग यार, लास्ट में जो इमोट है वो एक स्क्वाड इमोट यानी कि ग्रुप इमोट है, यानी कि अगर आप लोग के टीममेट में अगर कोई ये इमोट दिखाता तो भाई जितने सारे टीममेट है सभी इमोट्स को दिखाने लगेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को तीन इमोट देखने को मिल जाता है जिसका जो लुक है आप लोगों ने देख लिया होगा। कि आप लोग ये इमोट्स कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अब बात आती है भाई स्पेशल इफेक्ट से, तो यहाँ पे पहला जो इफेक्ट है यानी कि विंडो से जंप करोगे तो कुछ इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा जो कि भाई काफी यूनिक और अच्छा लग रहा है। उसके बाद सेकंड जो इफेक्ट है जो कि अगर आप लोग मेडिकेट मारोगे तो कुछ इस टाइप का स्पेशल एनिमेशन भी देखने को मिल जाएगा लेजेंडरी बंडल के साथ जो भाई काफी कूल लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो स्पेशल इफेक्ट है वो है रनिंग वाला, यानी कि रन करोगे तो कुछ आप सबको इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा पीछे से जो कि भाई ठीक ठाक लग रहा है। और यहाँ पे लास्ट जो स्पेशल इफेक्ट है वो एक लॉबी इफेक्ट है, जैसे कि बुया बंडल में देखने को मिलता तो वैसे इस टाइप का आप सबको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। यार जो कुछ बोलो ये जो इवो बंडल है ना भाई काफी बढ़िया। बाकी आप लोग बताने ये इवो बंडल आप सबको कैसा लगा। अब बात आती है कि भाई इसको निकालने में कितना सारा डायमंड लग जाएगा, तो मैं आप सबको बता दूं जितना फेडरल में कोई भी आइटम्स को निकालने में लगता उतना ही डायमंड आप सबको इस बंडल को भी निकालने में लग जाएगा। क्योंकि बेसिक सा नॉर्मल सा स्टार्टिंग में आप सबको देखने को मिलेगा, बाद में इसको अपग्रेड करवाने में आपका जो डायमंड लगेगा भाई बहुत सारा डायमंड लगने वाला है। और यहाँ पे आप लोग इस टोकन का बॉक्स भी देख सकते हो और टोकन भी अलग से देख सकते हो जो कि आप लोग को स्टोर में देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें इसको अपग्रेड करने में भाई कितना सारा डायमंड लग जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि चार इवोल्यूशन बंडल देखने को मिल जाएंगे, और अगर एक बंडल को अगर आप लोग अपग्रेड करते हो तो यहाँ पे 1000 से भी प्लस डायमंड लग जाएगा, जो कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में दिखा भी दिया था। मैंने एक वीडियो देखा था उसमें भाई 1000 प्लस डायमंड लग गया था एक बंडल को अपग्रेड करने में। तो मतलब समझ पा रहे हो भाई टोकन टावर से भी ज़्यादा डायमंड लग जाए इसको अपग्रेड करने में। और नीचे की तरफ जो इमोट्स और जो स्पेशल इफेक्ट्स है इमोट्स को आप लोग टोकन से बाय भी कर सकते हो, या तो अगर आप लोग कोई एक इवो बंडल यहाँ पे अपग्रेड करोगे तो यहाँ पे कोई एक इमोट आप सभी को बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा, और एक स्पेशल इफेक्ट भी हो सकता है आप सबको वो फ्री में देखने को मिल जाएगा। यार जो कुछ बोलो ये जो इवो बंडल है फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के थीम पे ये पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि आप सभी को पता हमारे गेम में कोई भी इवो बंडल आता है तो उसको निकालने में 2 से 3 हज़ार या हो सकता है उससे ज़्यादा भी डायमंड लग जाता है, तभी आप लोग कोई इवो बंडल निकाल सकते हो कोवरा या इवो बंडल यानी कि बुया बंडल निकाल सकते हो। लेकिन ये जो इवो बंडल है ना इसको आप लोग फेडेड व्हील से बहुत ही कम डायमंड में निकाल सकते हो, और जब आपके पास डायमंड हो तभी आप लोग आसानी से इसको अपग्रेड भी कर सकते हो। और ये जो चीज़ है ना भाई मुझे बहुत ही पसंद आया, आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड में देख सकते हो यहाँ पे लक रॉयल में कुछ सर्वर में जर्सी को रिटर्न में दे दिया गया है, और जैसे कि मैंने आप सबको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंडियन सर्वर में भी आप सबको बहुत जल्द जर्सी रॉयल रिटर्न में देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें इंडियन सर्वर के बारे में तो अभी तो कोई लीक्स निकल के नहीं आया कि भाई यहाँ पे देखने को मिल गया
या नहीं, लेकिन यहाँ पे चांसेस निकल के आ रहे कि आपसे को बहुत जल्द एक या दो वीक के अंदर आपसे को जर्सी रॉयल रिटर्न में देखने को मिल सकता है। अब यार ये एक पॉसिबल लीक से अभी कोई भी कंफर्म नहीं हुआ इंडियन सर्वर के लिए, और जर्सी रॉयल से रिलेटेड मैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो लाने वाला हूं। आपसे को मैं ए टू जेड कंफर्म बता दूंगा कि भाई कब देखने को मिलेगा, कितना टाइम लगने वाला, जितनी सारी चीजें सभी चीजें मैं आपसे को फुल डिटेल के साथ बता दूंगा। तो बस वीडियो लोग यार आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपसे को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल हुआ उसको सेट कर लेना। तो मिलता है आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।